अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक दफ़ा फिर से रेप्लिका हार्ले डेविडसन और 400 सीसी के अंदर मोस्ट अवेटेड बाइक। बहुत सारी क्यूरीज थी इस बाइक की और इसके अंदर दो कलर ऑप्शन अभी हम लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं, वाइट एंड ब्लैक। 400 सीसी के अंदर मैंने जितने भी चॉपर्स बेचे हैं, वन ऑफ द बेस्ट चॉपर है दिस वन। बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट इसकी चॉपर की बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज एक अच्छा चॉपर है। आज हम बात करेंगे इस बाइक के बारे में कि इस इम्पोर्ट के अंदर जो ये भी फ्रेश बाइक आया है, क्या इसकी चीज़ें इसमें क्या क्या लगाई गई हैं, किस किस्म का ये बाइक है, साउंड टेस्ट करवाएंगे आपको और अपने रिव्यूज़ देंगे इस बाइक के बारे में और फिर बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो व्यूअर्स, ले चलते हैं आपको इस बाइक की 360 की जाने, इसमें तमाम डिटेल्स आपको बता देंगे बाइक में क्या कुछ मौजूद है। व्यूअर्स, फ्रंट लुक्स ऑफ दिस 400 सीसी चॉपर। फ्रंट की लाइट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर हमें LEDs दी गई हैं। अभी आपको स्टार्ट करके LEDs भी चेक कराते हैं। फ्रंट पे नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया है, इसको चेंज करके इसके अंदर SMD या HIDs भी लगाई जा सकती है। इस चॉपर की अगर आप फिनिश क्वालिटी देखें, फ्रंट कॉलम आप देख सकते हैं, बहुत ही हैवी किस्म का कॉलम लगाया गया है। इससे पहले चॉपर्स में इतना हैवी कॉलम आपने किसी में भी नहीं देखा होगा। फ्रंट शॉक्स की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड डाउन हमें काफ़ी हाई क्वालिटी के शॉक्स दिए जाते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट के ऊपर 110/70/17 का टायर लगाया गया है और फ्रंट डिस्क ब्रेक की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट के ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दिया गया है। आप पिस्टन इसके कैलिबर का साइज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी इसकी अच्छी ब्रेक्स हैं और इसके अंदर एक खूबसूरत अलॉय रिम्स दिया गया है। बहुत सारे चॉपर्स इसकी कॉपी भी आए हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर कूल टेक्नोलॉजी है तो आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है और इसकी इंजन को आप देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले आप इसके इंजन का ऑयल फिल्टर देखें, जिस तरीके से ओरिजिनल बाइक का ऑयल फिल्टर होता है एग्जैक्टली वही लगाया गया है। इस बाइक का इंजन इट्सेल्फ अगर आप इसकी फिजिक देखें तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ही बड़ा इंजन है ये और एक्चुअली 400 नज़र आता है कि यार ये वाकई 400 सीसी इंजन है। डिस्प्लेसमेंट इसकी 398 है, फेली का इंजन लगाया गया है, EFI टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है। आपको थ्रॉटल बॉडीज इसकी नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई कार्बोरेटर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी इस इंजन के अंदर यूज़ की गई है और यहाँ पर हमें ये 42 हॉर्स पावर देने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा अगर इस बाइक के ऊपर आप क्रैश गार्ड लगाना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको फिटिंग्स दी गई हैं। फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक दोनों हाइड्रोलिक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हाइड्रोलिक डिस्क बूस्टर लगा हुआ है। ड्यूअल एग्जॉस्ट इसके अंदर लगाया गया है जिसकी काफ़ी अच्छी साउंड है, विस्लिंग साउंड है। आगे चल के आपको इसका साउंड टेस्ट भी करवाते हैं और इसकी साउंड को अगर मज़ीद लाउड करना चाहें तो वो भी हो सकती है। इसके अंदर DB किलर्स दिए गए हैं। रेयर डिस्क की अगर बात कर ली जाए तो रेयर के ऊपर हमें यहाँ पर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दे दिया जाता है। बैक के ऊपर भी एक खूबसूरत अलॉय रिम हमें यहाँ पर दे दिया गया है। रेयर टायर की अगर बात कर ली जाए तो 150/70/17 का इसके अंदर टायर लगाया गया है। बैक के ऊपर आपको LED बेस्ड लाइट दी गई है, इसके इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं, LED बेस्ड इंडिकेटर हैं। सीट देखने के अंदर इसकी थोड़ी सी लगती है सिंगल सीटर कि दूसरा बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा बट दूसरा बंदा भी इसके ऊपर बैठ सकता है। हाँ, थोड़ी सी इसकी बैक वाली पोजीशन थोड़ी सी ज़रा सीट की कम है बट एक कंफर्टेबल बाइक है, सिटिंग पोस्चर इसका बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्रोम का यहाँ पर हमें चेन कवर दिया गया है। पावरफुल बैक शॉक्स भी दिए गए हैं जिसमें 3 लेवल की डिफरेंट एडजस्टमेंट दी गई है जहाँ से आप इसकी सस्पेंशन को हार्ड सॉफ्ट और इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने इंजन के बारे में आपको बताया, 6-speed रिवर्स ट्रांसमिशन 42 हॉर्स पावर के साथ फेली का EFI इंजन, काफ़ी खूबसूरत
इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी भी नज़र आती है और एक्चुअली परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा ये इंजन है। लिए चलते हैं जी अब आपको इसके टैंक की जाने, तो टैंक के अंदर 17 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी है। उसके अलावा मीटर की जानब ले चलें आपको, तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दी जाती है, RPM की ऑप्शन दी जाती है, स्पीड की ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन दी जाती है, पार्किंग की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की, और इस साइड के ऊपर आपको हैजर्ड लाइट्स की, डिपर, लो हाई इंडिकेटर और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के हम आपको इसकी लाइट भी ऑन करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी बड़ी खूबसूरत यहाँ पर हमें LED बेस एक सर्कल नज़र आ रहा है, जो इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा करता है। बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। लिए चलते हैं जी अब आपको इसके साउंड टेस्ट की जानिब और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, ये देखा आपने इस बाइक का साउंड टेस्ट कंप्लीट 360 एंड रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको बाइक पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस के बारे में। तो व्यूअर्स, इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है 8,50,000 रुपये में, 400 cc, ब्रांड न्यू, 0 मीटर, विद EFI, वाटर कूल, अपसाइड डाउन शॉक, 8,50,000 रुपीज़। इस बाइक को परचेज़ करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विजिट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे से रब्ता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।